हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान सैयद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल गुरुकुल में। आज हम ओला की कुछ ऐसी एमबीजी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे रहेंगे तो हमने ओला एमबीजी से कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में बताया, जिस वीडियो में हमने बताया था कि ओला की जो ट्रिप वाइज स्कीम है उससे आप किस तरह अच्छे से प्लान करके कमा सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम ओला ने अभी अभी सारे लोगों को देना स्टार्ट कर दी है जो है अर्निंग पर, यानी आपके ऑपरेटर बिल की अर्निंग वाली स्कीम है ये। यहाँ पर जितना आप ट्रिप करते हो उस पे काउंटिंग नहीं होती, जितना आपका बिलिंग होता है उस पे काउंट होता है। सबसे पहले तो आप जान लिए कि ये स्कीम काम कैसे करती है। ये स्कीम का स्लैब कुछ ऐसा है कि 900 रुपए में आपको 1400 का एमबीजी मिलेगा, 1400 रुपए में आपको 2200 का एमबीजी मिलेगा, 2200 रुपए में आपको 4000 का एमबी मिलेगा, और लास्ट जो इसका स्लैब है यानी 3100 रुपए का अगर आपका बिलिंग होता है तो आपको 6500 का एमबीजी में आप काउंट किए जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी अर्निंग कब स्टार्ट होती है। इसमें सबसे पहले आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है जब आपकी बिलिंग 2200 में पहुंचेगी, यानी जब आपका बंदा काम करेगा और उसका बिलिंग, उसका अर्निंग 2200 पहुंचेगा, तब आप 4000 के एमबीजी में काउंट किए जाएंगे। और अगर आप 4000 के एमबीजी में काउंट किए जाएंगे तभी आप आपका ईएमआई भर सकते हो। याद रखिएगा, आप सिर्फ आपका ईएमआई भर सकते हो, आपको फायदा जीरो है। आपके पास, ओनर के पास कुछ भी नहीं होगा। ओनर सिर्फ ड्राइवर को पे करेगा, सीएनजी पे करेगा, मेंटेनेंस निकालेगा और सिर्फ उसका ईएमआई पे करेगा, कुछ फायदा नहीं। हाँ, उसके ऊपर जो बिलिंग होगा, यानी अगर आप बहुत मेहनत की, आपने रात दिन सिर्फ आप मेहनत करने में लगे हो, गाड़ी चलाने में ही लगे हो, ड्राइवर को पीछे पड़े हो कि काम कर, और आपकी बिलिंग 3100 तक पहुंच जाती है, आपकी अर्निंग 3100 तक पहुंच जाती है, जब आप 6500 के इसमें पहुंचोगे तब आपको इसमें फायदा होगा। अब इसमें कैच ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ड्राइवर से भी पूछा कि भाई ये क्या अर्निंग हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकाल ली है ओला ने, शेयरिंग निकाल ली है, शेयरिंग एक्सप्रेस करके एक चीज निकाल ली है। तो मैंने पूछा कि आप कैसे काम करते हो, ड्राइवर ने ये बोला कि हमें एक शेयर एक्सप्रेस करके आती है, कॉल आता है, उनमें बताया जाता है कि 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दायरे में आपको पहले जाना पड़ता है बंदे को लोकेट करने के लिए, बंदे को ढूंढने के लिए उसके लोकेशन पे जाना पड़ता है, उसको वहां से पिक करने के लिए। तो पहले तो ड्राइवर 5 किलोमीटर तय करेगा, उधर जाएगा, जाने के बाद वो बंदे को बिठाएगा, जब स्टार्ट करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि भाई उसका जो बिलिंग है सिर्फ 35 रुपए, ये शेयर एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसका बिलिंग है जो सिर्फ 35 रुपए का बिलिंग है, और फिर वो 3-4-5 किलोमीटर 35 रुपए के लिए उसको छोड़ेगा। तो आप एनालिसिस कीजिए कि 35 रुपए का अगर बिलिंग है तो जो ओनर है वो ड्राइवर को पे कर रहा है 100 रुपया पर ट्रिप के हिसाब से। कितना पे कर रहा है? 100 रुपया पर ट्रिप के हिसाब से ड्राइवर को पे कर रहा है। उसके अलावा वो गैस का भर रहा है, उसके अलावा उसको ईएमआई भी निकालना है, यानी ओनर के पास क्या बचेगा? मेंटेनेंस निकालना, ईएमआई निकालना, ड्राइवर को पे करना। 35 रुपए में क्या क्या पे करेगा भाई? मतलब जेब से पैसा डालेगा 35 रुपए में। और आप सुबह सुबह अगर आपने गाड़ी निकाली है, 7-8 बजे अगर आपने गाड़ी निकाली है, तो मैं उम्मीद, मेरा दावा है कि आपको कम से कम 4 शेयरिंग मिलेगी, 3 से 4 शेयरिंग आपको मिलती है। और 4 शेयरिंग में आपका कितना निकलेगा? 200 रुपया, 300 रुपया, क्योंकि इतना कम भाड़ा रखा हुआ है। 300 रुपए की आपकी अर्निंग होती है, 300 रुपए की अर्निंग में 400 रुपया तो ड्राइवर ले लेता है, 400 रुपया ड्राइवर ले लेगा, प्लस आपको सीएनजी का निकालना पड़ेगा। आपने एरिया कवर किया रहेगा 40 किलोमीटर का, आपको सीएनजी का निकालना पड़ेगा, सीएनजी निकालने के बाद आपको मेंटेनेंस निकालना पड़ेगा। कितना निकालोगे 300 रुपए में यार? मारोगे बच्चे की जान, लोगे अभी ओनर की, उसके सर पे हथौड़ा मारोगे कि भाई नहीं, तेरे को चलानी है गाड़ी, मैं कुछ भी स्कीम डाल दूं, तेरे को चलानी है? मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है आपकी स्कीम का। और बोलते हैं आप लोग कि 24 घंटा गाड़ी चलाओ, मुझे आप बताइए 24 घंटे के लिए, सुबह के लिए तो ड्राइवर मिल जाता है, शाम के लिए कोई ड्राइवर करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि शाम के लिए कोई भाड़े अवेलेबल नहीं, राइड्स अवेलेबल नहीं, शाम के 12 बजे के बाद सुबह के 6 बजे तक कोई भाड़े अवेलेबल नहीं होते। बंदा ऐसी ही जगह बैठे रहता है, 1-2 भाड़े मिल गए तो मिल गए, सुबह 6 बजे से फिर एयरपोर्ट के भाड़े चाले होते हैं, दूसरा ड्राइवर आ जाता है जो शाम का ड्राइवर, रात का ड्राइवर, बोलता है भाई मेरे को भाड़े नहीं मिलते। तो ओवरऑल ये जो स्कीम है मुझे एक ओनर्स के लिए बहुत खराब स्कीम लगी। मैं ओला से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐप निकाला है तो आपने ऐप सिर्फ
कंज्यूमर को देखते हुए निकाला है, आपने ओनर्स को देखते हुए नहीं निकाला है। आप क्या किस सोच से आपने ये स्कीम मार्केट में उतारी कि 3100 का बिलिंग करो, हम आपको 6500 देंगे, 24 घंटा आपको काम करना पड़ेगा तब जाके आपका 3100 का बिलिंग होगा। या मुझे पूछना है ओला से कि आपने कस्टमर को देखते हुए खाली अपना ऐप बनाया, जो बंदों ने आप पे भरोसा किया, जो बंदों ने आप पर विश्वास किया, 1.5-2 लाख आप पे खर्च करके गाड़ी लगाई, जिसकी वजह से आप अभी मार्केट में हो। आप सिर्फ ओनर्स की वजह से मार्केट में हो, कस्टमर्स की वजह से मार्केट में नहीं हो। अगर ओनर्स आपके इधर से गाड़ी निकाल लेंगे तो आपकी कंपनी क्या है? जीरो। अंडा क्या मिलेगा आपको? तो बोलने का मतलब ये है कि आप ओनर्स के बारे में सोचिए, जिनके बारे में, जिन लोगों ने आपके बिजनेस में गाड़ियां लगाई है, 1.5-2 लाख जिन्होंने आपके बिजनेस में खर्च किया है, वो अपना ईएमआई चाहते हैं आपके बिजनेस से। हम जो गाड़ियां लगा रहे हैं आपसे ईएमआई, कम से कम ईएमआई तो उनको वापस करो। मैं फिलहाल ओला के ऑफिस में भी 1-2 बार जाके आ चुका हूँ, वहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी बात की कि हमको नई गाड़ी लगाने की, तो आप कैसे लगा सकते। तो मैंने आपके ही बंदों से सुना कि ऐसी बहुत गाड़ियां खड़ी हुई है जो हम 600 रुपये पर डे के हिसाब से अभी लोगों को दे रहे हैं। क्यों खड़ी है आपकी गाड़ी? क्या रीजन है आपकी गाड़ी खड़ी रहने का? यही एक रीजन है कि आपने जो स्कीम्स निकाली है वो ओनर्स के लिए ठीक नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है ओला ओनर्स से कि आप जो जिन्होंने ओला बनाई है, मैं ये आपको भी टैग करूंगा जो ओला कंपनी के ओनर है, मैं आप लोगों जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने ट्विटर के पेज पे या फेसबुक पे पेज पे इसे शेयर करें, टैग करें ओला कैब करके या ओला करके हैशटैग करें। मैं भी हैशटैग ओला करके इसको डालने वाला हूँ, ओला कैब्स करके हैशटैग डालना, जो टैग आपको अच्छा लगता है इसके लिए ओला के हिसाब से या ओला के ओनर्स के हिसाब से इसमें टैग करें, और आपके ट्विटर के पेज पर, आपके फेसबुक पे पेज पे इसको प्लीज शेयर करें, ताकि जिन लोगों ने ओला कंपनी में गाड़ियां लगाई है उनको इसका कुछ ना कुछ फायदा हो। ये वीडियो आगे तक जाएगा, ओला के ओनर्स तक जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को, जो बनाने का मेरा मकसद है, ये पूरा हो। मैं इरफान सईद आपसे विदा लेता हूँ।